हेलो किड्स, कैसे हो सब? हाउ आर यू ऑल? फाइन, वेरी गुड। पढ़ाई करते हैं क्या घर पे? करते हैं, रोज करना है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज द कैपिटल लेटर्स ए टू एन। ओके, अभी हम बेडी ए बी सी डी ए से लेके एन तक रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, डू यू नो द अल्फाबेट्स ए टू सेट? क्या आपको पता है ए बी सी डी ए से लेके इस सेट तक? मालूम है, आज हम उसको रिवाइज करेंगे। ओके, और आपको भी मिस के साथ बोलना और लिखना भी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। कैपिटल लेटर्स ए टू एन। ओके, बेडी ए बी सी डी ए से एन तक आज हम रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके पहला लेटर ए है। ओके, फर्स्ट लेटर ए है। ए कैसे लिखना है देखो, फर्स्ट लाइन से शुरू करना है। कौन सी लाइन तक? तीसरा लाइन तक। ओके, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। ओके, हाँ, ये ऊपर से शुरू होते हैं, फिर कौन सी लाइन में स्टॉप होता है? तीसरा लाइन में। फिर क्या करना है? फिर से ऊपर से देखो, राइट स्लैंडिंग लाइन खींचना है। दिस इज लेफ्ट स्लैंडिंग लाइन, दिस इज राइट स्लैंडिंग लाइन। ओके, समझ में आया ये कैसे लिखना है? फिर इसको एक स्लीपिंग लाइन से जॉइन करना है। ओके, आ गया समझ? दिस इज ए। ओके, दिस इज कैपिटल ए, ए फॉर एंड। ओके, एंड, ए एन टी, एंड, ए फॉर एंड। Which letter comes after A? A के बाद कौन सा लेटर आता है? B। ओके, B आता है। देखो, B कहाँ से स्टार्ट होता है? ऊपर से स्टार्ट होता है, फिर हाँ, तीसरा लाइन से इसको रोकना है। ओके, दिस इज स्टैंडिंग लाइन। ओके स्टूडेंट्स, ये कौन सा लाइन है? स्टैंडिंग लाइन। आप बोलो फिर क्या करना है? राइट कर्व बनाना है। देखो, राइट कर्व, अगेन राइट कर्व, सी। समझ में आया है क्या? बी कैसे लिखना है? बी फॉर बैट। ओके, बी फॉर बैट, बी ए टी, बैट। ए फॉर एंड, बी फॉर बैट। And which letter comes after B? B के बाद कौन सा लेटर आता है? C आता है। C comes after B. Okay? B के बाद C आता है। C कैसे लिखना है? Left curve बनाना है। Very good. देखो, left curve बनाना है। This is C. Okay? समझ में आया C कैसे लिखना है? कौन सा कर्व बनाना है? लेफ्ट कर्व। ओके, देन नेक्स्ट, विच लेटर कम्स आफ्टर सी? सी के बाद कौन सा लेटर आता है? डी आता है। सी के बाद डी, डी कैसे लिखना है? स्टैंडिंग लाइन। वेरी गुड, स्टैंडिंग लाइन। फिर क्या करना है? राइट कर्व। वेरी गुड, देखो ऊपर से शुरू करना, सीधे हाथ की तरफ घुमा के इधर जॉइन करना है इसको। देखो, दिस इज राइट कर्व। ओके, ये क्या बनाया? डी। ओके, विच लेटर इज दिस? दिस इज डी, डी फॉर, डी फॉर डॉल। ओके, डॉल, डी ओ डबल एल, डॉल। ओके, ए बी सी डी, सबको समझ में आया है क्या कैसे लिखना है? देन नेक्स्ट लेटर, विच लेटर कम्स आफ्टर डी? डी के बाद कौन सा लेटर आता है? ई। वेरी गुड, ई कैसे लिखना है? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन। देखो, दिस इज E, देखो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन, दिस इज E। ओके, E फॉर
E for earth. Okay. E-A-R-T-H. Earth. Okay. Prithvi. E for earth. Okay. समझ में आया? Then next. E के बाद कौन सा letter आता है? F. F comes after E. E के बाद F आता है. आपको पता है F कैसे लिखना है? Standing line. Very good. Standing line. अब क्या करना है? ऊपर एक sleeping line. Very good. देखो sleeping line. Then, हाँ ये को sleeping line. क्या बन गया? F. This is F. F for fan. Okay. F A N fan. F for fan. Then, do you know which letter comes after F? क्या आपको पता है F के बाद कौन सा letter आता है? G आता है. G comes after F. Okay. F के बाद G आता है. G कैसे लिखना है? लेफ्ट कर्व बनाना है. देखो लेफ्ट कर्व बनाना है. फिर क्या करना है? ऊपर देखो. फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. दिस इज जी. जी फॉर, जी फॉर गॉड. जी ओ ए टी गॉड. ओके गॉड. समझ में आया? नेक्स्ट आप बोलो जी के बाद कौन सा लेटर आता है? जी के बाद एच आता है. एच कैसे लिखना है? स्टैंडिंग लाइन. देन हाय अगेन स्टैंडिंग लाइन. देखो दो स्टैंडिंग लाइन बना ली. अब क्या करना है? स्लीपिंग लाइन बनाना है बीच में. देखो स्लीपिंग लाइन से इन दोनों स्टैंडिंग लाइन को ज्वाइन करना है. अभी क्या बन गया? एच. ओके दिस इज एच. एच फॉर हैट. हैट एच ए टी हैट. एच फॉर हैट. ओके समझ में आया है कि एच कैसे लिखना है आपको? देन नेक्स्ट विच लेटर कम्स आफ्टर H. H के बाद कौन सा लेटर आता है? I आता है. I comes after H. H के बाद I आता है. I कैसे लिखना है? I एक छोटा सा स्लीपिंग लाइन खींचना. फिर स्टैंडिंग लाइन. फिर क्या करना है? इधर एक छोटा सा स्लीपिंग लाइन. देखो अभी क्या बन गया? I. I for. I for. भूल गए क्या? आई फॉर इग्लू. ओके आई फॉर इग्लू. सी ई एफ जी एच आई. आई फॉर इग्लू. ओके आई जी एल डबल ओ. ओके इग्लू. इग्लू का स्पेलिंग क्या है? आई जी एल डबल ओ इग्लू. ओके ई एफ जी H I. Okay student. Then next. I के बाद कौन सा letter आता है? Which letter comes after I? I के बाद कौन सा letter आता है? J. Very good. J. J कैसे लिखना? Sleeping line. फिर क्या करना है? Standing line बना के इधर क्या करना? उल्टा हाथ की तरफ घुमाना है. ओके जे. जे फॉर जग. ओके जे यू जी जग. जे फॉर जग. देन नेक्स्ट डू यू नो विच लेटर कम्स आफ्टर जे? क्या आपको पता है जे के बाद कौन सा लेटर आता है? के आता है. के. के फॉर की. के फॉर की. के कैसे लिखना है? स्टैंडिंग लाइन बनाना है. फिर left slanting line and right slanting line. Okay, this is K. K for key. K E Y. K
की, ओके कैसे लिखा के समझ में आया है क्या? स्टैंडिंग लाइन, फिर लेफ्ट स्लैंडिंग लाइन एंड राइट स्लैंडिंग लाइन, ओके के के फॉर की. देन नेक्स्ट विच लेटर कम्स आफ्टर के, के बाद कौन सा लेटर आता है? एल, ओके के बाद एल आता है, एल फॉर लैम्प, ओके एल ए एम पी लैम्प दीपक, ओके आपको याद है क्या? एल ए एम पी लैम्प दीपक और एल ए एम बी लैम्प मेमना, याद है आपको? याद है, वेरी गुड. ओके लैम्प, एल ए एम बी लैम्प और एल कैसे लिख रहा? स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, ओके दिस इज एल, एल फॉर लैम्प, एल ए एम पी लैम्प दीपक. ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट विच लेटर कम्स आफ्टर एल, एल के बाद कौन सा लेटर लिखना है? एम, एल के बाद एम आता है, एम कैसे लिखना है? देखो सब ध्यान से देखो, एम कैसे लिखना है? तीनों लाइन में मिला के लिखना आपको, देखो एम ऐसे लिखना है. ओके आप सब कैसे लिखते हैं मालूम है? ऐसे लिखते हैं, ओके ऐसे नहीं लिखना है. ओके आपको कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, ये है सही. ओके तीनों लाइन में मिला के लिखना आपको, दिस इज एम. ओके एम कैसे लिखना समझ में आया है क्या? देखो स्टैंडिंग लाइन देन स्लैंडिंग लाइन अगेन स्लैंडिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, देखो ये तीनों लाइन में मिला के लिखना है आपको, लाइन बाय लाइन में लिखना है. समझ में आया है कि आप गलत नहीं लिखना आप बुक में? ओके एम और डब्ल्यू लिखने के टाइम ध्यान रखना है, तीनों लाइन में मिला के लिखना है. समझ में आया है क्या बच्चों? लिखने के टाइम ध्यान से लिखना. ओके देन नेक्स्ट विच लेटर कम्स आफ्टर एम, एम के बाद कौन सा लेटर आता है? एन आता है, ओके एन, एम के बाद एन आता है, एन कैसे लिखना है? स्टैंडिंग लाइन स्लैंडिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, देखो एन ऐसे लिखना है आपको. समझ में आया है क्या कैसे लिखना है? एन फॉर नेट, एन ई टी नेट, ओके एम फॉर मग, एम यू जी मग. ओके स्टूडेंट्स नाउ वी विल रीड टुगेदर, ओके अभी हम एक साथ रीड करेंगे, आपको अभी रीड करना बोलना. ओके ए बी सी डी, ओके ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन. ओके स्टूडेंट समझ में आया है क्या? ऐसे लेके एन तक कैसे लिखना है? लिखने के टाइम ध्यान से लिखना आप. ओके आपको ये याद करना है, घर बैठ के लिखना, लिख के याद करना, बोल बोल के लिखना. ओके स्टूडेंट्स होमवर्क करना आपको, 59 नंबर डाल दीजिए आप. ओके okay?